प्यार में विवाहिता को मिला धोखा। 17 दिन के बाद दिल्ली निवासी विवाहिता का शव रिफाइनरी के पास मिला। लड़की के पिता ने लगाए उसके पति साहिल चोपड़ा पर हत्या के आरोप। दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिनाख्त पर शव को किया बरामद। शव गली सड़ी हालत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा जांच शुरू कर दी है। 7 मार्च को नैन्सी ने की थी दिल्ली के ही रहने वाले साहिल चोपड़ा से लव मैरिज। सर बेटी हमारी 12th में कोचिंग करने जाती थी, जो कि पार्टी में किसी फंक्शन में गई थी, जिससे साहिल चोपड़ा की मुलाकात हुई थी। जब इसकी मुलाकात हुई थी, इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी, जिसके पीछे वो लड़की बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी, जो परिवार ही नहीं मानती थी। तो उस पर जब पता करा हमने साहिल चोपड़ा के लिए कि लड़का है, आज था शराब पीता था काफ़ी वो था। फिर उसके बाद मैंने उस लड़की से बात करी, मैंने नैन्सी इसका चक्कर छोड़ दिया, लड़का सही नहीं है। तो लड़की ने मेरी बात ना माने, तो लड़के परिवार से आगे होके इस लड़के से लव मैरिज करी है। लव मैरिज करने के बाद ये लड़की वो नशा कराया जाता था, तो दहेज के लिए मारा जाता था, इधर टॉर्चर करा जाता था, गला भी दबाते थे। मिल के ये साहिल चोपड़ा, उसकी मम्मी रोशी चोपड़ा, अश्विनी चोपड़ा इसके जो फादर हैं और उसका दादा, जब मेरी बेटी को मारते थे कि घर में कैमरे लगे हुए थे, तो मुंह बंद कर करके मारते थे। तो 11 तारीख को लास्ट जो था फोटो आई थी, जो कि मेरी बेटी को मारा था इन्होंने। तो उसके बाद उसके घर का फोन बंद, चोपड़ा का और मेरी बेटी का फोन बंद जा रहा था। तो उसकी माँ रोशी चोपड़ा कहती है वो गए हैं ये अपना हरिद्वार ऋषिकेश गए घूमने के लिए। तो जब हमारे तसलीन जब नैन्सी की फ्रेंड प्रांजलि शरान्या सोनाली इन लोगों ने बताया कि अंकल आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, आप पुलिस कंप्लेंट करो आप। तो जब मैंने 23 तारीख को पुलिस कंप्लेंट करी 100 नंबर की, 100 नंबर कॉल करने हम जब इसके घर पे गए थे, तो इसका PCR वाले मैं और मेरी मम्मी, तो उसका जब दादा मिला था, दादा कहते हैं बच्चे फ्रांस चले गए हैं, तो परेशान मत हो बच्चे आ जाएंगे। तो मैंने उनका फ़ोन बंद क्यों है, तो उन्होंने ये बोला था कि फ़ोन बंद नहीं है, तो स्विच ऑफ हो गया होगा तुमको, तो कोई परेशान हो बच्चे आ जाएंगे, 1-2 दिन में बच्चे आ जाएंगे। तो उसके बाद जब ASI सुरेंद्र जब आए, तो उन्होंने कहा फ़ोन नंबर दिखाओ जरा बच्चे का, बंद क्यों है नंबर तुम्हारे तुमको। तो फिर वो ASI सुरेंद्र दादा उसको ऊपर लेके चला गए घर पर। 1 घंटे के बाद 5:30-6 बजे में थाने बुलाया गया, जहाँ पे साहिल चोपड़े के सारे परिवार वाले वहाँ मिले। तो मैंने कहा साहिल चोपड़ा जब पहले था नहीं, तुम कह रहे हो घर से भाग गया है, नैन्सी और ये जेवर लेके चले गए हैं, तो आज साहिल चोपड़ा कैसे आ गया आज? तो कह रहे हैं आईओ ने बोला कि मैंने बुलवाया है, ये दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहे मैंने बुलवाया है इसको। तो मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ पे है? कह रहे अंकल मैंने 11 तारीख को 10:45 बजे पश्चिम विहार फ्लाई ओवर के पास उतार दिया था, मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने फ़ोन किसके पास था? जब उसने 23 तारीख को जब अपना बयान दिया था जनपुर थाने के अंदर, जब तो उसने बोला था कि फ़ोन है मेरे पास। कल जब 26 तारीख को जब SHO साहब ने जब इंक्वायरी करी थी, तो कहता फ़ोन है नैन्सी के पास। अब नैन्सी कहाँ मिली, किस हालत में मिली? नैन्सी मिली हमें यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी पे। कल जब SHO साहब ने CDR फाइल वगैरह इनके निकलवाई, डिटेल वगैरह निकलवाई इनकी, तो उसके बाद आज सुबह 7:30 बजे SHO साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि आप पानीपत रिफाइनरी आ जाओ आप। मैं अपने परिवार सहित जब पानीपत रिफाइनरी आए, तो मेरी बेटी सड़ी गली हालत में मुझे मिली, जिसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल में आ गए। नीरज का आगरा रहने वाला, आपका आगरा रहने वाला सर? हाँ जी, साहिल चोपड़ा जी जनकपुरी का रहने, जनकपुरी में ही है और हम रहते हरिनगर के अंदर। और मेरी बेटी को जो मारा है रोशी चोपड़ा, उसके पापा अश्विनी चोपड़ा, उसका दादा, उसकी दादी, उसका जो दोस्त है शुभम, और एक सुनील चौधरी जो कहते हैं मैं यहाँ का MLA हूँ, मुझे बहुत कर रहा था कि वे केस ना करें, पर ये सारे इन सब की मिली भगत साजिश है। और 9 और 10 तारीख को उसकी साहिल चोपड़ा की मम्मी कहती है हम जा रहे हैं जम्मू शादी में, जम्मू जा रहे हैं। तो 9 और 10 तारीख को जम्मू चले गए थे, तो 11 तारीख को उन्होंने कैमरा बंद था घर का, 11 तारीख को मेरी बेटी मारी गई है। जब कैमरा काम क्या करता है साहिल चोपड़ा? गाड़ियों काम करता है। ये मारी क्यों है? ये मारी इसलिए कि उसको परेशान, उसको ड्रग्स की आदत थी। किसको? साहिल चोपड़ा को। कि पापा से पैसे ले गया, ये काफी कर टॉर्चर करता, बेटी ने हमें बताया नहीं। भी अपने कभी पैसे वैसे दिए? बेटी एक दो बार लेके जाती थी बताऊँ, तो बेटी ने बताती नहीं, क्योंकि लव मैरिज करती बेटी ने, इसलिए बोलती नहीं थी तुमको कि पापा टेंशन ना हो जाए तुमको। तो उसने बहुत कॉपरेट करा अपनी सहेलियों, जो भी बात थी मैं सहेलियों शेयर करती थी।
कि साहिल मार रहा है मेरे को, साहिल मुझे जानते मार देगा, अगर मेरा दो तीन दिन फोन बंद रहे तो समझो साहिल ने मुझे मार दिया। अब पुलिस ने पकड़ लिया साहिल? ये ऐसे तो सबसे बात हुई है, उन्होंने कहा मैंने ये साहिल चोपड़ा को और ये अपना शुभम और जो उसका मामा बताया गया है, इन तीनों को पकड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम मेरी बेटी है संजय शर्मा। ये शादी हुई कब थी? शादी हुई थी इनकी 7 मार्च को, 7 मार्च 2019 को। सर झगड़ा इनकी होती रहती थी, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि इनका झगड़ा हो रहा है क्या हो रहा है, इन लोगों ने कभी बताया नहीं। तो अपनी फ्रेंड से शेयर करती रहती थी, तो कभी घर पे आती थी खुश रहती थी कि पापा को दुख ना हो कि अपनी मर्जी से शादी करती है, तो अपना कि मैं खुश होता हूँ। हाँ इनकी लव मैरिज हुई थी। ये दिल्ली का कोई मामला है? दिल्ली पुलिस आज किसी एक्यूज को लेकर आई थी अरेस्ट करके, उसकी निशानदेही पर ददलाना गांव की झाड़ियों में एक डेड बॉडी लड़की की बरामद हुई है। कार्रवाई कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ, हमारी मतलब थाने की पुलिस भी लगी। पोस्टमार्टम करा रहे? हाँ चल रहा है पोस्टमार्टम, ले आए डेड बॉडी। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रिजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।